हेलो साथियों, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को नर्सिंग टीस पे। तो साथी, अगर आप चाहते हैं कि आकर आपका जो सिलेक्शन है ANM या GNM सरकारी से नहीं हो पाता है बिहार में, और आप चाहते हैं कि हम किसी अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले प्राइवेट से, आपको करने का पूरा मन है लेकिन आपका सरकारी से सिलेक्शन नहीं हो पाया है ANM या GNM में, तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं और आप कॉलेज ढूंढ रहे हैं कि वो एफिलेटेड कॉलेज हो, सरकार से सही कॉलेज हो, तो दोस्तों आज हम उसका लिस्ट लेकर आए हैं। पूरा लिस्ट है कितना बिहार में सरकारी कॉलेज है, कितना प्राइवेट GNM का कॉलेज है, कितना प्राइवेट ANM का कॉलेज है, आप सभी को बता देंगे। क्योंकि साथियों, ये जो आप लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2022 से 23 वाले का जो अभी प्रोसेस चल रहा है सरकारी के थ्रू, जो एडमिशन का प्रोसेस एग्ज़ाम हो रहा है PM का, PPM का, तो उसमें दोस्तों ये GNM और ANM का लिस्ट दिया था। और लिस्ट तभी देता है दोस्तों जो जो उसके पास एकदम एफिलेटेड कॉलेज है सरकार के पास, उसी के लिस्ट यहाँ पे देता है। क्योंकि वहाँ पे अगर जिसको कम नंबर आता है तो उस नंबर के आधार पर इस सब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सरकार देता है प्राइवेट कॉलेज को भी, तो इसलिए सारा लिस्ट दिया हुआ है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि जो इस लिस्ट में है उसी लिस्ट में जिस जहाँ भी आपको एडमिशन लेना हो, जिस शहर में, आप चेक कीजिए वहाँ पे कॉलेज कौन सा अच्छा है और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ANM वाले के लिए पहले। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, पैरामेडिकल इंटर स्तरीय निजी मतलब प्राइवेट ANM पाठ्यक्रमों में सीट की विवरणी। तो दोस्तों मतलब बिहार में जितने भी निजी मतलब सरकारी ANM है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, तभी ही जाके इस लिस्ट में दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कितना कॉलेज है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे एक से शुरू होता है, और देख यहाँ पे सीट भी दिया हुआ है इस साइड में, और इधर देख रहे हैं कॉलेज का नाम है, शहर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आके। PDF हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पेज नंबर में जाइएगा और आप ढूंढी नीचे आइएगा तो आपको लिस्ट सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारा है जो कि देख सकते हैं कॉलेज का नाम है, आप यहां से भी खोज सकते हैं वीडियो को रोककर। तो देख सकते हैं यहां पे अगले पेज में हम आ गए हैं, 39 है सारा के सारा ANM कॉलेज है। अभी हम बता रहे हैं ANM कॉलेज के बारे में अभी कि कितना ANM कॉलेज है। अगर आप वीडियो से भी चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप लोग ढूंढ सकते हैं यहाँ पर कॉलेज को। तो देख सकते हैं ये सारा के सारा अभी ANM कॉलेज चल रहा है, जहाँ पर 30, 20, 50 दिया हुआ है सीट को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ANM का टोटल लिख दिया है, मतलब ANM का दोस्तों टोटल बिहार में जो सरकारी में सॉरी प्राइवेट में जो सीट है वो 2917 सीट है। मतलब एक साल में जो 22 से 23 में जो एफिलेटेड कॉलेज है वो 2917 कॉलेज दोस्तों 2917 सीट है कुल 130 कॉलेजों में। देख सकते हैं बिहार में ANM के लिए लगभग 130 प्राइवेट कॉलेजेज है, स्कूल है, जो कि 2917 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं इस 113 प्राइवेट स्कूल में ANM का। अब चलिए हम साथियों दोस्तों इसमें GNM कॉलेज प्राइवेट सरकारी कॉलेज इंक्लूड नहीं होगा, तो आप लोग इसको मत समझिए कि इसमें सरकारी कॉलेज भी है, ये सारा के सारा प्राइवेट है। अब हम चलते हैं साथियों ऊपर की तरफ चलते हैं, अब हम देखेंगे GNM के लिए। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तो सरकारी है GNM का, तो हम देख लेते हैं सरकारी में GNM का कितना है बिहार में कॉलेज। तो 26 कॉलेज है देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बिहार में GNM का सरकारी से 26 कॉलेज है, जो कि देख सकते हैं कुल 1538 सीट है सरकारी में। तो जिनको सरकारी में नहीं होता है और एडमिशन बिहार में लेना है GNM में, तो यहाँ पे देखिए निजी संस्थान है, यहाँ पे लिखा हुआ है निजी संस्थान GNM का। तो देख सकते हैं इधर इधर सीट है और इधर कॉलेज का नाम है, एड्रेस है, इधर सीरियल नंबर है, देख सकते हैं एक से शुरू हुआ है। ये प्राइवेट कॉलेज है GNM में, बिहार में GNM का प्राइवेट कॉलेज है जो कि सरकार के लिस्ट में है, तो आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें कितना कॉलेज है और प्राइवेट में कितना सीट है बिहार में GNM का। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो साथियों देख सकते हैं बिहार में जो GNM का प्राइवेट जो कॉलेज है मात्र 69 कॉलेज है। जी हाँ साथियों, मात्र 69 कॉलेज है जो कि सरकार के लिस्ट में है, जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, और कुल 1906 सीट है। जी हाँ दोस्तों, 69 कॉलेज है और 1906 सीट है GNM प्राइवेट में बिहार में। तो अगर आपको सरकारी में चयन नहीं होता है या आपने सरकारी का नहीं सोचा है, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर GNM में इन सारे लिस्टों में किसी कॉलेज में जहां भी शहर में आपको कराना हो आप लोग करा सकते हैं बिहार में प्राइवेट के GNM। यही GNM का लिस्ट है 22 से 23 के लिए रिलीज किया गया है, बिल्कुल न्यू है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।